गाइस वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस आज जो है ये देखें, ये है स्टीम और ये जो है ये आलू गोश्त बन रहा है। और क्यों बन रहा है और ये स्टीम कौन देने लगा है ये आपको अभी दिखाते हैं। और ये किसके लिए आलू गोश्त बन रहा है वो भी पता चलेगा आप लोगों को थोड़े ही देर में, तो स्टे ट्यून। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ ये भाप कौन लेने लगा है। ये मामा को जो है ये फ्लू हुआ हुआ है और स्नीज हो रही है, तो उसकी वजह से उसकी वजह से भाप ले रहे हैं। रेजकी के भाई ध्यान से ले लें। तो कहते हैं कि फ्लू के लिए स्टीम सबसे अच्छी होती है, तो इसलिए इनको स्टीम दे रहे हैं हम। इसके अंदर हमने विक्स डाली है और ये तुलसिया पड़ा है। ये देखिए गाइस ये अब रेस्ट कर रही हैं। और विक्स हमेशा साथ साथ होती है, लेकिन स्टीम के साथ विक्स जो लेनी है वो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए स्टीम दे रहे हैं हम। जी गाइस तो ये देखें, ये हम चरपाई भी बिछा रहे हैं। जिसके लिए आलू गोश्त बन रहा है वही शख्स के लिए यहाँ पे जो है वो बेड भी तैयार हो रहा है। ये देखिए गाइस हमने बिछा दिया है। गाइस तो मैं आपको ना बच्चे दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे किसी भी ब्लॉग में जो घर में हो उसमें बच्चे ना नजर आए, ये हो सकता है? हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं वो। तो मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ, बच्चों से मिलाती हूँ। हेलो 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 हेलो, ये देखिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। गो गो, हाँ जी बच्चे जी, बाहुबली शिम्बा कहाँ है? शिम्बा चिम्बलू चिम्बलू, हेलो नीनू आ रही थी शिमलू को है। बाहुबली जो है वो प्ले करने के मूड में है और जो सिम्बा है वो सोने के मूड में है। ये देखें बाहुबली बाहुबली, ये अपने टनल में चला गया। एलिना मुझे ऊपर से आवाज दे रही है, हाँ जी आ जाओ। क्यों क्या करने जा रहे हो? क्यों इस टाइम? सिम्बा और बाहुबली बुला रहे हैं आपको, नीचे कह रहे प्ले नहीं किया हमारे साथ। ये बहुत ज्यादा लेजी हुआ हुआ है, इसको नींद आ रही है और इसको देखें मस्ती सूझ रही है। मेरा बुब्बू को मस्ती सूझी है, प्यार करवाता है, बहुत प्यार करवाता है। हाँ जी जी, जी गाइस तो प्रे कीजिएगा कि मामा की जो स्नीज है और जो फ्लू है वो ठीक हो जाए। हम भाप दे रहे हैं तो स्टीम से होप्स हो के वो बेटर हो जाएंगी।
और जो हमारे घर किसी ने आना है, ठीक है, तो वो भी रिवील हो जाएगा आपको अगले व्लॉग में कि वो कौन है। और आज ही उसने आ जाना है, लेकिन मैं रिवील जो है वो अगले व्लॉग में करूँगी, क्योंकि मैं ये वाला व्लॉग जो है ये अभी मतलब आज ही डाल दूँगी। तो जब आप देखेंगे तो इसी दिन का ये व्लॉग होगा, और ये हमारे प्लांट्स थोड़ा सा आप देखें, विज़िट करें प्लांट्स को। ये देखें, आपको दिखाती हूँ। अभी आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सुबह जो है ना किसी दिन आपको दिखाऊंगी, इसका विज़िट करवाऊंगी दोबारा से। मामा को कहूंगी कि सारा विज़िट करवाएं, बस वो जो है थोड़ा बेटर हो जाए, खुदा करे, तो फिर वो आपको विज़िट करवाएंगी। क्योंकि ना हमारे ना लॉन में टोमेटोज़ भी लगे हैं, लिली हमने ली थी, वो भी जो है बहुत अच्छी ग्रो की है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ली थी। यहाँ पे ना मिलती नहीं है, यहाँ पे मिलती नहीं है, तो उसकी वजह से ना हमने किसी वेबसाइट से मंगवाई थी। आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस में शायद देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो जो है ना वो जो है हमने मतलब कि खुद ग्रो की है, मतलब आप यही समझ लें, क्योंकि उन्होंने जो हमें भेजी थी ना वो तो ख़राब हो गई थी, और उसके ही बच्चे निकले हैं और वो ग्रो किए हैं। फिर हमने मिंट लगाया हुआ है, उसका भी मैंने व्लॉग तो नहीं शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मिंट हमारे घर में जो है वो लगा हुआ है। और हमने मटर लगाए थे, लेकिन वो तब बच्चे छोटे थे, बाहुबली और सिम्बा, तो उन्होंने ऊपर चढ़ चढ़ के ना वो तो ख़राब कर दिए हैं, वो तो नहीं उग सके। और बाकी जो चीज़ें लहसुन है, लहसुन की तुरियां लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो की हैं, वो सारी आपको दिखाएंगे। मतलब अपना किचन गार्डन एक तरह से आपको जो है वो दिखाएंगे कि हमने क्या क्या उसमें जो है वो ग्रो किया है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हम अपने घर की चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं कि हम यूज़ करें। तो गाइज़, इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे, और अगले व्लॉग के लिए वेट कीजिएगा, और ज़रूर 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 उसको देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन हमारे पास आ रहा है। और जो है मामा की तबीयत के लिए भी प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा नीचे। अभी जो है स्टीम से बहुत बेटर हैं, मतलब बेटर हैं, तो और भी बेटर हो जाएंगी आप लोगों के प्रेयर से। थैंक यू गाइस, अगले व्लॉग में मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया प्लीज़ वो भी कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और अगले व्लॉग में आपको सबसे पता चल जाए कि हमारे पास कौन आने वाला है, और किसकी आने की प्रिपरेशंस हो रही हैं, और इतनी खुशियाँ हो रही हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, खुदा हाफिज़।